आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ सैटिस्फाइंग इक्वेशन ऑफ एक्स पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स साइन पाई बाई 2 एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। ओके दोस्तों, यह इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करने वाले एक्स का वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ देखो दोस्तों, एक्स पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है ना, इफ वी एक्सपेंड द स्क्वायर। सो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स होगा, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर होता है। वन इसका वैल्यू सब इंटीजर हो गया, तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना। सो इसका वैल्यू तो एक इंटीजर होना पड़ेगा, ये तो एक गुड लुकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। सो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2, ये तो इंटीजर होने वाले पॉसिबिलिटीज क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 1 बाई 2 होता है, रूट 3 बाई 2 होता है और 1 बाई रूट 2 भी हो सकता है ना, बिकॉज स्क्वायर है ना। सो ये तो साइन का पॉसिबिलिटीज है। तो साइन का वैल्यू 0 कब होता है, सो ये तो साइन का वैल्यू है, साइन पाई एक्स बाई 2 शुड बी सम ऑफ दीज वैल्यूज, साइन पाई एक्स बाई 2। तो 0 होने की पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स इक्वल्स टू 0 होने पर इसका वैल्यू 0 होता है। सो ये तो प्लस और माइनस होता है, बिकॉज फॉर एनी वैल्यू साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर पर माइनस भी प्लस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो इसका वैल्यू 0 होना पड़ेगा। तो साइन पाई एक्स बाई 2 1 होने के लिए इसका पॉसिबिलिटी क्या होता है, एक्स तो 1 होने पर, एक्स तो प्लस और माइनस 1 होने पर साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर पाई इंटू प्लस और माइनस 1, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू तो 1 है ना, सो ए भी 1 होता है। सो 1 बाई 2 होने के लिए साइन 1 बाई 2 कब होता है, पाई बाई 6 पर है ना। सो एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस 12 होना पड़ेगा, पाई इंटू 12 बाई सॉरी पाई एक्स बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू पाई बाई 6 है ना। सो एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 3 होना पड़ेगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 बाई 3 होना पड़ेगा। सो पाई एक्स बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू पाई बाई 3 है ना नेक्स्ट वैल्यू के लिए। सो कब होता है, प्लस और माइनस 2 बाई 3 पर होता है, ये कब होता है, एक्स प्लस और माइनस 1 बाई 2 पर है ना दोस्तों। फॉर दीज वैल्यूज हमारा एक्स वैल्यूज तो ए है, सो दिस वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट करने पर इस वैल्यूज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो माई फर्स्ट एक्स इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ, तो एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया तो इसका वैल्यू तो 0 है ना, तो एक्स पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये तो कभी भी नहीं पॉसिबल है ना, तो 0 तो कैंसिल होता है इसका वैल्यू, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 1, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया तो साइन स्क्वायर है ना, तो उसका वैल्यू तो 1 होता है ना, एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके दोस्तों, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू 0 होता है, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू क्या होता है, प्लस और माइनस 1, वो है ना हमारा एज्यूम्ड वैल्यू, तो प्लस और माइनस 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमारा सेकेंड आंसर तो सही है। तो अब दूसरा वाली इसको भी चेक कर दो, प्लस और माइनस 1 बाई 3। ओके दोस्तों, यह एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई 3 ले लिया तो पाई बाई 6 होता है, उसका वैल्यू तो 1 बाई 2 है ना, 1 बाई 2 होल स्क्वायर, उसका वैल्यू तो 1 बाई 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके दोस्तों, एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा, इन प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू, और डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई बाई सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 3, 1 बाई 3 पावर 4 माइनस 1 बाई 3 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ओके दोस्तों, 1 बाई 3 पावर 4 माइनस
वन बाई थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन टू थ्री एटीन, वन बाई एटीन प्लस वन का वैल्यू तो जीरो नहीं है ना, ये तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो हमारा वन बाई थ्री तो नहीं हो जाएगा, प्लस और माइनस वन बाई थ्री। अब सेकेंड फोर्थ वन देखो, प्लस और माइनस टू बाई थ्री होता है ना, साइन पाई एक्स बाई टू तो रूट थ्री बाई टू है, एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर इन टू रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, थ्री बाई फोर होता है, प्लस वन इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन होता है। ओके दोस्तों, यह टू बाई थ्री सब्सटीट्यूट करो, टू बाई थ्री होल पावर फोर माइनस थ्री बाई टू इन टू टू बाई थ्री होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या होता है, टू बाई थ्री होल पावर फोर माइनस थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री है ना, इसका वैल्यू तो टू बाई थ्री होता है, इकट होकर टू बाई थ्री वन माइनस टू बाई थ्री, इसका वैल्यू तो माइनस वन बाई थ्री होता है, और इसका वैल्यू तो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, तो ए भी पॉसिबल नहीं है, तो ए भी पॉसिबल नहीं है। प्लस और माइनस वन बाई टू भी चेक करो, एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर इन टू वन बाई रूट टू है ना, तो इसका वैल्यू तो वन बाई टू होता है, प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ओके दोस्तों, एक्स पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो उसका एक्स का वैल्यू क्या होता है, वन बाई टू है ना, यह तो वन बाई टू सब्सटीट्यूट करो, वन बाई टू पावर फोर, वन बाई सिक्सटीन माइनस वन बाई टू स्क्वायर फोर प्लस वन, इसका वैल्यू तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है ना, तो प्लस और माइनस वन बाई टू भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये सभी वैल्यूज में क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस और माइनस वन, वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन। सो तुमको डायरेक्टली ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड में भी इसको प्लस और माइनस वन यहाँ सेटिस्फाई करने वाले या नहीं एक बार चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड, ये तो दूसरा मेथड है, ओरिजिनल मेथड तो ए है, बट दूसरा मेथड क्या होता है, ऑप्शन वेरिफिकेशन। इफ वी आर प्रोवाइडेड विद द ऑप्शंस, देन वी हैव टू डू, वी कैन सिंपली डू दिस, पाई एक्स बाय टू होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस वन ले लिया तो एक्स पावर फोर का वैल्यू क्या होता है, प्लस और माइनस वन दोनों वैल्यूज के वन ही होता है, वन माइनस टू इंटू एक्स का वैल्यू तो प्लस और माइनस वन है, इंटू साइन पाई एक्स बाई टू तो प्लस वन के लिए प्लस वन होता है, माइनस वन के लिए माइनस वन होता है ना, होल स्क्वायर प्लस वन, प्लस वन इंटू प्लस वन का स्क्वायर तो प्लस वन ही होता है, वन टू होता है ना, वन प्लस वन माइनस टू इंटू वन इंटू वन, उसका वैल्यू तो वन है, माइनस वन इंटू माइनस वन भी वन है ना, सो इसका वैल्यू तो कभी भी वन होता है, वन स्क्वायर, सो टू माइनस टू तो जीरो है ना, सो इस तरफ डायरेक्टली ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड में भी तुम सॉल्व कर सकते हैं, का आंसर फाइनली क्या है दोस्तों, प्लस और माइनस वन, ये है हमारा रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एक सैटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। थैंक यू दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।